वेलकम टू कोर्स सेटिंग्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस वर्ड की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ड आर्ट को और ड्रॉप कैप को। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट्स से रैंडमली, राइट, और आप इसमें से अपने वर्ड को कोई स्पेसिफिक स्टाइल देना चाह रहे हैं तो आप किस तरह देंगे, देखें। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया कोर्स एडिक्स, राइट, और इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से वर्ड आर्ट पे आता हूँ। वर्ड आर्ट पे आप क्लिक करें तो देखिए आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। आप जो सा स्टाइल सिलेक्ट करके इसको देना चाहते हैं वो आप इजीली दे सकते हैं, राइट। उसके बाद आप देखें, अब इसमें ऐसी सपोजिशन अक्सर आ जाती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसके अंदर फिल चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए ये एक टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में है, तो अगर आप इसका फिल चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से फिल चेंज कर दें वर्ड से, अगर जो सा आपको फिल पसंद है, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड का जो फिल आप चेंज करना चाहते हैं वो भी डिपेंड करता है, और अगर आप इस टेक्स्ट का फिल भी चेंज करना चाहते हैं वो भी इजी है। देखिए आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें यहाँ से और यहाँ पे आ जाएं। अगर आप इसमें दो या दो से ज़्यादा कलर चाहते हैं तो यहाँ से ग्रेडियंट्स ले लें। मैं लेट्स इसमें मोर ग्रेडियंट्स में आ जाता हूँ। मोर ग्रेडियंट्स में आने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करें और यहाँ से मैं कहता हूँ जी ये रेड और मुझे ज़रा डार्क ब्लू शेड में चाहिए, तो यहाँ से मैं इसका डार्क ब्लू शेड ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से रेड ले लेता हूँ। तो आप देखें आपको जो डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, वो कौन सा नज़र आ रहा है, वो वाले दो कलर्स अब आपको फिल हुए हुए नज़र आ रहे होंगे। सी दिस, आपको कलर चेंज हुआ हुआ प्रॉपरली नज़र आ रहा है। डिपेंड अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट पे आके आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, किस तरीके का आप उसमें फिल चाहते हैं, ये सारा का सारा आपके ऊपर है कि आपके पास देखिए इधर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं फिल के, आप जो सा कलर चेंज करना चाहते हैं, जिस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, डिपेंड अपॉन यू। देखिए इसका अगर आप फिल चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सर ये ब्लैक नज़र आए, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर का फिल जो है वो ब्लू और रेड नज़र आए, तो आप यहाँ से क्या करें, यहाँ से सिंपली अपने टेक्स्ट फिल पे जाके ग्रेडियंट पे आ जाएं, ठीक है, मोर ग्रेडियंट पे आ जाएं और यहाँ से ग्रेडियंट फिल को करके और अपनी मर्जी का जो कलर आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। आप यहाँ से देखें अब आपके पास जो कलर आ रहा होगा फिल, वो कौन से कलर में आ रहा है, उसी रेड और ब्लू कलर के शेड में आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या काम करता है, समटाइम्स आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर में देखें तो आपको प्रॉपरली जो पहला वर्ड है वो ज़रा बड़ा लिखा हुआ नज़र आता है। कैसे, देखिए रैंडमली अगर मैंने कोई भी पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, तो ये वीडियो आपको नज़र आ रहा हुआ है लिखा हुआ, ठीक है। अब देखें आप यहाँ से इंसर्ट पे आ जाएं तो आपको ड्रॉप कैप का ऑप्शन डिसेबल नज़र आ रहा है, ठीक है जी, अभी के लिए डिसेबल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें, अच्छा ये पहले आपको डिसेबल नज़र आएगा, ठीक है। कैसे, देखिए अगर मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ तो डिसेबल है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया ऐसे रैंडमली, राइट, रैंडमली लिखने के बाद आप यहाँ पे पहले वर्ड पे आएंगे तो ये एक्टिव होगा, वरना ये एक्टिव नहीं होगा। अब इसमें पहले वर्ड को मैं ज़रा बड़ा करना चाहता हूँ तो आप ड्रॉप कैप कर दें। अच्छा अब इसमें दो ऑप्शन है, ड्रॉप्ड, देखिए जब ये ड्रॉप हो रहा है तो ये इन्हीं इसी रेंज के अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं नहीं ये अपनी अलाइनमेंट खराब ना करें, ये वी इस जगह पे मुझे नजर आए, ठीक है, इन मार्जिन में, तो आप ऐसे कर लें तो देखिए वी आपको साइड पे नजर आ रहा है, और अगर आप ऐसे ड्रॉप कर लें तो इसके अंदर ही नजर आ रहा है। मोस्टली हम ड्रॉप यूज करते हैं मार्जिन के बजाय। अगर आप इसको ड्रॉप कर दें तो देखें ये आपको उसी तरह न्यूज़पेपर में जिस तरह आपका वर्ड ड्रॉप हुआ होता है उसी तरह नजर आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप इनका फासला बढ़ाना चाह रहे हैं तो ड्रॉप कैप पे क्लिक करें और यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे आ जाएं। ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे क्लिक करें, यहाँ पे कितनी लाइन्स आप चाहते हैं ड्रॉप हों, देखिए अभी कितनी लाइन्स ड्रॉप हो रही है, 1, 2, 3, अगर आप चाहते हैं 5 लाइन्स ड्रॉप हों तो आप 5 करके ओके कर दें, तो देखिए आप कितनी लाइन्स ड्रॉप हो रही है, 1, 2, 3, 4 और 5, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इसको जितना भी करना चाह रहे हैं। स्टैंडर्डली हम इसमें 3 ही रखते हैं कि 3 ही लाइंस ड्रॉप हों। इसी तरह आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में आ जाएं और यहाँ से मैं इसको दोबारा 3 कर रहा हूँ। 3 के साथ साथ अगर आप इसको ओके कर दें तो देखिए दोबारा 3 पे आ गया। उसके बाद मैं ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर लेट्स से मैं इस टेक्स्ट का डिस्टेंस बढ़ा दूँ कि इसका ज़रा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए और आप ओके करें, ठीक है जी, तो देखें ये टेक्स्ट उससे कितना ज़्यादा दूर हो गया और ये टेक्स्ट जो है जो ड्रॉप हो रहा है ये इंचेस की फॉर्म में हो रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ जी 0.2 हो जाए तो देखें ये आपको उस तरीके से बिल्कुल प्रॉपरली नज़र आ रहा है जिस तरीके से आपको न्यूज़पेपर में नज़र आ रहा है। आप इसको कंट्रोल जे कर लें तो ये आपके पास प्रॉपरली वैसे ही हो जाएगा। और न्यूज़पेपर में क्या किया जाता है, इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे आगे हम लेआउट में कॉलम्स पढ़ेंगे, इनको 2 या 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, आपको इस तरीके से वो चीज़ नज़र आती है। अब देखें अगर आप यहाँ से आके इंसर्ट पे आएँ और ड्रॉप कैप ऑप्शन से इसका अगर ये कम कर दें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अच्छा इधर अब आपको अलाउ नहीं कर रहा डिस्टेंस कॉलम्स के अंदर, वो आपको डिस्टेंस अलाउ नहीं करेगा। आगे इंशाल्लाह कॉलम्स में हम ये चीज़ डिटेल में देखेंगे कि अगर आप एक
एक डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। आई होप सो आपको ये वर्ड आर्ट और ड्रॉप क्या पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट एंड डेट टाइम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।